हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो में जो जो मैं निबंध बताऊंगा आप उसे तैयार कर लेना, सेम वही D2 एकदम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है। मैं बता रहा हूँ ये क्लास टेंथ वालों के लिए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो है क्लास टेंथ के, हालांकि ये ट्वेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास ट्वेल्थ के भी स्टूडेंट हो आप तो इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बाकी स्पेशली ये यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। देखो यहाँ पे एक मैं आपको थोड़ा सा अपडेट बता दूं, यहाँ पे आप ध्यान देना। सबसे पहले क्या था कि पिछले साल यानी 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें निबंध 9 मार्क का पूछा करता था, ठीक है। 9 मार्क में मतलब एक निबंध लिखो आपको 9 मार्क मिलेगा, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इसमें से आपका शायद 9 में से आपका 2 नंबर निकाल दिया गया है। जी है मेरे दोस्त, यानी अब 7 मार्क में आप लोग का निबंध का आपको कितना नंबर मिलेगा, 7 मार्क मिलेगा। 2 नंबर निकाल दिया गया यहां से, और जो 4 मार्क का संस्कृत वाला उत्तर था उसमें से 2 मार्क निकालकर 4 मार्क का एक पत्र लेखन नया एड प्रश्न किया गया है, ठीक है। एक नया प्रश्न जोड़ा गया है पत्र लेखन 4 मार्क का। 2 मार्क निबंध से निकाला गया है और 2 मार्क जो संस्कृत में उत्तर देना होता था प्रश्नों का, क्लियर। तो यहां से इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि निबंध जो है ना 7 मार्क में पूछा जाएगा, पिछले साल की अपेक्षा 9 मार्क नहीं पूछा जाएगा। पिछले साल का पेपर निकाल कर देखोगे तो उसमें 9 मार्क में निबंध था, लेकिन इस बार 7 मार्क में रहेगा, इस बात को आप ध्यान देना। चलो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है। तो सबसे पहला निबंध आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो तभी से, वो है स्वदेश प्रेम या राष्ट्र प्रेम। आप इसके एक बोर्ड एग्जाम में आने की क्वांटिटी देख सकते हैं, 2013 में 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 देख सकते हो, ये कितना मतलब हर साल लगभग ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये पहला निबंध था, स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम, बात एक ही हुआ। कभी कभी बोल देता है स्वदेश प्रेम, कभी कभी बोल देता है राष्ट्र प्रेम, और कभी कभी देश प्रेम, तीनों का मतलब तो एक ही है ना। चलो उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर। जो सेकंड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो है प्रदूषण की समस्या और समाधान। इसको अलग अलग तरीके से आपसे बोल सकते हैं कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य या प्रदूषण तथा मानव समाज, पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या। मेन हम लोग का यही टॉपिक है प्रदूषण की समस्या और समाधान। इस पर आप तैयार कर लो ये, बाकी इसी का अलग अलग ये मतलब बदलकर इधर उधर लिखा है। और यह जो निबंध है ये 2010 से अब तक लगातार 2022 तक, हालांकि 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, लेकिन ये पीडीएफ जो मैंने तैयार किया ना ये पिछले साल ही तैयार किया था तो उसी पे मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। नहीं तो ये 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में प्रदूषण की समस्या और समाधान वाला निबंध आया था, मतलब लगातार एक भी साल गैप नहीं है, किसी न किसी पेपर सेट में इसका आना तय है, क्लियर। चलो भाई साहब, तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड इंपॉर्टेंट निबंध। उसके बाद थर्ड वाला देख सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व। इसमें से आप एक टॉपिक पे तैयार कर लोगे तो सब पे लिख लोगे, सब एक ही के आसपास ये टॉपिक है। देख सकते हो 2013, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 ये भी लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। तो ये थर्ड वाला काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो तीन इंपॉर्टेंट हो गए। चलो आगे और कुछ है उनको भी देख लेते हैं। ओके, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ मतलब समय नहीं लिखा कि कब कब आ रहा है, ये लगातार मतलब हर साल आता है ये भी, ठीक है। तो ये जनसंख्या की वृद्धि एवं अभिशाप ऐसे बोल देता है, या जनसंख्या वृद्धि की समस्या पे निबंध लिखो। मतलब आपके देखो एग्जाम में क्या करता है कि ऐसे निम्न विषयों पर निबंध लिखो, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो, और आपको 4 या 6 ऑप्शन दिया रहेगा। 2023 के यूपी बोर्ड के पेपर में देखा गया था कि कुछ सेटों में 4 ऑप्शन दिया था और कुछ सेटों में 6 ऑप्शन दिया था। मतलब मिनिमम आपको 4 तो ऑप्शन देगा ही, 4 में से किसी एक का आपको निबंध लिखना रहेगा। तो उन 4 में से ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो अभी मैं ये बता रहा हूँ इन टॉपिक में से 100% रहना ही रहना है, क्लियर। चलो तो ये फोर्थ नंबर आपका जनसंख्या वृद्धि की समस्या पे निबंध आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये पांचवा और अंतिम सबसे जो इंपॉर्टेंट मैंने लिया है वो यातायात के नियम या यातायात की समस्या और समाधान या सड़क दुर्घटना कारण और निवारण। ऐसे आपके एग्जाम में टॉपिक दे देता है और इस पे निबंध बोलता है लिखने को, ठीक है। तो भाई इसमें से किसी यातायात के नियम जो है
ईसीपी आप तैयार कर लो, या सड़क दुर्घटना कारण और निवारण, मतलब वही बात हुआ ना, एक ही बात हुआ, वही तो, चाहे आप यातायात के नियम में लिखो या सड़क दुर्घटना और निवारण, मतलब लगभग एक ही चीजें लिखना होगा सब में। तो आप किसी एक टॉपिक पे आप पढ़ लोगे निबंध, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे निबंध आपका लिखा जाएगा। और बाकी निबंध कैसे लिखा जाएगा इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको पूरा, देखो छोटे बच्चों जैसे अब नहीं लिखना है आपको कि केवल हेडिंग डाल दो और उसमें लिखते रहो, नहीं, अब आपको अच्छे से एक एक हेडिंग हेडिंग बनानी पड़ेगी एक एक चीजों की, ठीक है। ऐसा नहीं कि यातायात के नियम आप एक हेडिंग डाल दिए और सारा चीज उसी में मतलब लिख दिए, ऐसा नहीं, आपको कम से कम चार पांच हेडिंग बनानी पड़ेगी, प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, उपसंहार बनाना पड़ेगा। तो कैसे पूरा का पूरा निबंध लिखोगे जिससे आपका पूरा का पूरा 7 मार्क मिले, एक भी मार्क न कटे, मैं आपको अच्छे से लिखना भी बताऊंगा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखी जाती है सारी चीजें बताऊंगा, नो टेंशन। केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ। और बाकी ये हमारी एप्लीकेशन है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, UPMSP स्टडी कर, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आ जाएगी ये एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको आपके जो भी आपके नोट्स है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके अलावा मॉडल पेपर है, सारे के सारे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सारी चीजें फ्री हैं, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। और यहाँ आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप पढ़कर यहाँ सभी चीजों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो हम यहीं पेंट करते हैं, आशा करता हूँ सारा का सारा निबंध आपको क्लियर हो गया होगा। यातायात का नियम, उसके अलावा था हम लोग का जनसंख्या वृद्धि वाला, छात्र अनुशासन, प्रदूषण वाला, प्रदूषण की समस्या और समाधान, और स्वदेश प्रेम या राष्ट्र प्रेम, ये 5 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निबंध है, इनको आप पढ़ लेना। ये इस बार यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क में पूछे जाएंगे, हालांकि 2023 में 9 मार्क में पूछे गए थे, लेकिन इस साल इसमें से 2 मार्क मतलब काट दिया गया है, यानी 9 से 7 मार्क का कर दिया गया है, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।